Ravi Shankar, Adhyatam. श्री रविशंकर को राष्ट्रपति ने आज पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। इस वक्त हमारे साथ है। सर, कैसा महसूस कर, पहले भी कई अवार्ड आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिला, आज कैसा महसूस कर? ठीक है, देश की जनता ने मुझे ये अवार्ड दिया है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। हाल में जो आयोजन स्वीकार करता हूँ, हाल में जो आयोजन हुआ उस पर काफी चर्चा हुआ, विवाद हुआ, और अभी देश भर में ये बहस छिड़ी है देशभक्ति को लेकर, भारत माता की जय को लेकर, क्या ये आपको उचित लगता है? या धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद, इन चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति के परे है। जैसे संस्कृति, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए। हर देश के पक्ष और विपक्ष दोनों आए हैं इसमें, सिर्फ भारत के, तो हमें संकीर्णता छोड़ के विशाल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक पक्ष का कहना, अंतिम सवाल, एक पक्ष का कहना है कि देशभक्ति के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। वो तो दृष्टिकोण है, अभिव्यक्ति की आजादी भारत में कभी कोई दबा नहीं सकता, वो हमेशा बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है, धर्म संस्कृति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ थे श्री श्री रविशंकर, जिन्हें राष्ट्रपति की तरफ से आज पद्म विभूषण सम्मान से